बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। हालांकि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हर किसी को इस बात की पहचान नहीं होती कि कौन सांप जहरीला है। सांप का जहर चंद मिनटों में इंसान की जान भी ले सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ 9 साल की मासूम रितिका के साथ। मंगलवार रात परिवार के 3 सदस्य, दादी, पोती रितिका और उसका भाई मोहित, एक ही बेड पर सोए हुए थे। रात करीब 1:30 बजे रितिका के चिल्लाने की आवाज उसकी दादी को सुनाई दी। दादी ने एकदम उठकर कमरे की लाइट जलाई और देखा तो बेड पर सांप दिखाई दिया। रितिका की दादी ने तुरंत बच्चों को वहां से हटाया और रितिका की बाजू को कपड़े से बांध दिया। उसी वक्त रितिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडुता में ले जाया गया। कुछ समय रितिका होश में थी और बात भी कर रही थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया गया। इस बारे में बाला पंचायत के पूर्व प्रधान रंजीत सिंह बताते हैं कि रितिका को जिला अस्पताल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बिलासपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। 9 साल की रितिका ठाकुर पुत्री रंजीत सिंह उपमंडल झंडुता के ग्राम पंचायत बाला के गांव बाला की ही निवासी थी। रितिका की मौत के बाद घर में माहौल गमगीन है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।